वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री, ऑप्शन बी सही होगा। तो पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी रवि शास्त्री को अगले 2 वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हालांकि इससे पहले वो ही कोच थे और अंशुमान गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी के साथ वो भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में क्रिकेट सलाहकार समिति ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। और शास्त्री पहले भी टीम निदेशक की भूमिका निभा चुके हैं और वर्तमान में विश्व कप के बाद 45 दिन का एक्सटेंशन देने के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। और शास्त्री ने 80 टेस्ट और 150 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं वो बने हैं रवि शास्त्री, ऑप्शन बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा लेह लद्दाख, ऑप्शन बी सही होगा। तो लेह लद्दाख में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव शुरू हो गया है। त्यौहार का विषय है ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। और ये 9 दिवसीय है और 9 दिवसीय आदि महोत्सव देश की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड ने संयुक्त रूप से महोत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, कि आपका 2nd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप ध्यान रखेंगे आदि महोत्सव लेह लद्दाख में शुरू हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ABVIMS का उद्घाटन किसने किया है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ABVIMS है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है अटल बिहारी वाजपेयी के जो नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक नया मेडिकल साइंस कॉलेज है, इसकी शुरुआत की है वो किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ऑप्शन डी सही होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने 16 अगस्त को नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ABVIMS की शुरुआत इस वर्ष 100 MBBS सीटों के साथ हुई है। ठीक है, तो आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के पद्मश्री प्राप्तकर्ता दामोदर गणेश बापट का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए सही होगा। तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता दामोदर गणेश बापट का निधन हो गया है। श्री दामोदर गणेश बापट छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जांजगीर चंपा जिले में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ में कुष्ठ रोगियों के उपचार व सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। समाज के प्रति उनकी सेवा हेतु 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। राइट, तो आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सतत स्वच्छता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा 19 अगस्त 2019 से, ऑप्शन ए सही होगा। तो आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय 19 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय विज्ञान भवन में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की सह प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे जिसमें श्री थावरचंद्र गहलोत केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यशाला का आयोजन जोखिमों को कम करने हेतु प्रासंगिक हितधारकों को साथ लाने के लिए स्थायी स्वच्छता पर किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य को पहला ईंधन स्टेशन मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी सही होगा।
तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 अगस्त 2019 को डिब्रूगढ़ में राज्य की पहले सीएनजी ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस स्वच्छ एवं हरित ईंधन स्टेशन के उद्घाटन से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। श्री सोनोवाल ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने पर बहुत अधिक जोर भी दिया है। चूँकि सीएनजी एक किफ़ायती ईंधन है, इसलिए ये उपयोगकर्ताओं के लिए लागत प्रभावी भी होगा, राइट। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाल्टिक देशों की कितने दिवसीय यात्रा पर उपराष्ट्रपति रवाना हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिवसीय, ऑप्शन ए सही होगा। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 17 अगस्त 2019 को लिथुआनिया, लतविया और एस्टोनिया की 3 दिवसीय देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। उनकी ये जो यात्रा है वो 3 बाल्टिक देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। और 3 बाल्टिक देश कौन है? लिथुआनिया, लतविया और एस्टोनिया। और ये यात्रा बढ़ती हुई राजनीतिक दबाव के साथ साथ व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के संदर्भ में आयोजित की गई है, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय साइकिलिंग टीम ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आयोजित वर्ल्ड जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में टीम स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम में एसू एल्बेन, रोनाल्डो सिंह और रुजीत सिंह शामिल थे। ये वैश्विक साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारतीय टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए सही होगा। तो राष्ट्र को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा की है। ये रक्षा कर्मचारियों का प्रमुख 3 सेवा प्रमुखों के ऊपर होगा। CDS का मतलब सरकार की किसी एक सूत्री सलाहकार के रूप में होना है, जो तीनों सेवाओं के दीर्घकालिक नियोजन, खरीद, प्रशिक्षण और रसद का समन्वय करेगा। CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा। और ये संयुक्तता और त्रिसेवा एकीकरण के लाने के लिए देश का सबसे बड़ा उच्च स्तरीय सैन्य सुधार है। CDS की अनुपस्थिति में वर्तमान में तीनों प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ कार्य समिति के प्रमुख के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है। बात करें एयर चीफ मार्शल BS धनोबा, ये वर्तमान में जो है वरिष्ठ कार्य समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के पूर्व क्रिकेटर VB चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत और तमिलनाडु के पूर्व क्रिकेटर VB चंद्रशेखर का निधन हो गया है। उन्होंने 7 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो 2004 से 2006 तक एक राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे थे और वो आखिरी तमिलनाडु टीम का हिस्सा थे जिसने 1988 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था किस राज्य के वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान ने 22 करोड़ पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा UP, यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की कुछ का जो सवाल है वो है, हाल ही में डॉक्टर विक्रम साराभाई की किस क्रम की जयंती मनाई गई? आपके सामने ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 80वीं, ऑप्शन बी 90वीं, ऑप्शन सी 100वीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। या पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके भी आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम में सर्च कीजिए GS प्लेटफॉर्म। और दोस्तों सभी परीक्षाओं जैसे UPTET, CTET, REET, इन सभी एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक विशेष नोट्स सीरीज़ वीडियो चलाई जा चुकी है। तो उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर उन वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे पर्यावरण के वीडियो हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।